भारत और बांग्लादेश के बीच अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच साउथ अफ्रीका में खेला जा रहा है। वहीं भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की शुरुआत की। वहीं इस मैच में भी पिछले मैच की तरह यशस्वी जायसवाल का धमाका देखने को मिला, जहां उन्होंने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 105 रनों की शानदार पारी खेली थी। इस मैच में भी उन्होंने शानदार 50 जड़ दी। हालांकि भारतीय टीम की शुरुआत धीमी जरूर रही, लेकिन यशस्वी को भी पता है कि उनका विकेट टीम इंडिया के लिए कितना अहम है। आपको बता दें, यशस्वी 89 गेंदों पर 50 रन पूरे किए, जिसमें उन्होंने 4 चौके भी लगाए। वहीं टीम इंडिया का पहला विकेट 7 रन के स्कोर पर गिर गया था। दिव्यांश सक्सेना पवेलियन लौट गए थे, जिसके बाद यशस्वी और तिलक ने अच्छी साझेदारी की और टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। अब देखना होगा भारतीय टीम बांग्लादेश के सामने कितने रनों का लक्ष्य रखती है और कैसे इस अंडर 19 वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा जमाती है। आपको क्या लगता है, आप भी इस खबर पर अपनी राय रखिएगा। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।